जरीपटका के मेकोशा बाग में रेलवे पटरी के पास जंगल में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान अमन अविनाश नाग देवते जरीपटका निवासी के रूप में हुई है। चर्चा है कि पैसे के लेन देन के चलते उसकी हत्या की गई है। फिलहाल जरीपटका पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। दोस्त दोस्त ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, सारे भेद खुल गए कोई राजदार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। जी हाँ, ये बात तीन दोस्तों पर खूब जस्ती है। दरअसल ये तीनों ही पहले एक साथ मिलकर साथ बैठा करते थे, एक दूसरे के राज आपस में शेयर करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि दोस्त ने ही अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल जरीपटका के मेकोशा बाग में रेलवे पटरी के पास जंगल में रविवार के सुबह एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान अमन अविनाश नागदेवते जरीपटका निवासी के रूप में हुई। बताया जाता है कि अमन की हत्या उसी के दोस्त द्वारा की गई है। चर्चा है कि पैसे के लेन देन के चलते उसकी हत्या की गई थी। फिलहाल जरीपटका पुलिस की माने तो इस मामले में दो संदिग्ध को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही थी। आपको बता दें कि अमन का शव जिस जगह मिला वहां नशेड़ियों का आना जाना लगा रहता था। बताया जाता है कि अमन ने हाथ पर टैटू बनवा रखा था, टैटू से ही उसकी पहचान आसानी से हुई। लेकिन इस मामले में पता चला है कि अमन ने अपने दोस्त कैलाश मसराम और अज्जू गाड़े जो कि उसके साथी थे, उनमें से अज्जू को उसने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज लिखा था जिसमें उसने अज्जू को कहा कि क्यों तू मुझसे आजकल डर रहा है, क्यों आजकल मुझसे मिलने नहीं आता। दरअसल कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर अमन ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसने अज्जू गाड़े के नाम पर लिखा था कि पहले तो तू मेरे पास बैठा करता था, अब क्या मुझसे डर रहा है। दरअसल इस पोस्ट के बाद अज्जू को अपने पर हमले होने की आशंका सताई जा रही थी। उसे डर था कि कहीं अमन उसके साथ कुछ गलत न कर दे। आपको बता दे कि अज्जू के खिलाफ पहले से ही एक मामला दर्ज है और दूसरा आरोपी कैलाश मसराम पर भी दो थाने में मामला दर्ज था। ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक संतोष बाकल ने दी। काल साधारण 11 वाजताच्या दरम्यान रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला बॉडी असल्याची आम्हाला माहिती मिळाली। रेल्वे ट्रॅकपासून साधारण 50 फूट अंतरावर जी रेल्वेची पडीत जमीन आहे आणि जिथे झाडं झुडपं आहे त्या झाडपात बॉडी मिळाली। नंतर त्याची ओळख पटली, टॅट्यू, त्याच्या अंगावरचे असलेले कपडे, पायातील चप्पल या सगळ्या बाबीवरून त्याची ओळख पटली आणि तो अमन अविनाश नागदेवते असल्याचं निष्पन्न झालं। त्यानंतर आमच्या डीवी पथकाने सगळा जोर लावून त्याचे जे जवळचे मित्र आहेत, कोणासोबत राहतो, काय करतो, कुठे जातो, वेअरअबाउट्स काढलेत त्याचे। त्यावेळेस निदर्शनास आलं की कैलाश मसराम आणि अजय उर्फ अज्जू गाठे हे त्याच्याजवळ होते आणि नंतर तपासात जे जे निष्पन्न झालं त्या त्याप्रमाणे आणि सध्या दोन आरोपींना ताब्यात घेतलेलं आहे। हे दगड आणि ठेचूनच, दगड आणि लाकडी दांडा डोक्यावर मारून आणि त्यानंतर दगड आणि ठेचून हत्या करण्यात आलेली आहे। कारण एक छोटंसं तत्कालिक कारण आहे की याच्यातला जो एक कैलास आहे तो एक साधारण 43 वर्षाचा आहे। त्याला हा छोटू बसता छोटू म्हटलं आणि तिथून त्यांची वादावादी सुरू झाली। पण अज्जू आणि हे मात्र एक चांगले जवळचे मित्र होते, नेहमी सोबतच गांजा पीत होते किंवा दारू पीत होते, नशा करणारे होते, त्यांची उदारी पण होती। आणि आदल्या काळात यांनी इंस्टाग्रामवर 2-4 दिवसापूर्वी एक पोस्ट टाकली मृतक मी अमननी की पहिले तो रात देर तक मेरे साथ बैठा था, अभी मेरे को डरने लग गया, इसका काम करना पड़ेगा, अशा प्रकारची भाषा त्यांनी वापरली होती। हेही एक कारण असू शकते। आता तपासामध्ये आणखी गोष्टी क्लिअर होतील की नेमकं काय आहे। फिलहाल जरीपटका पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के बाद पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल रवाना कर दिया है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।